एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ विद सौम्या। सो दिस चैनल में हर हफ्ते आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज लेकर आती हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बैम्बू केन ट्रे के ऊपर पेंटिंग करने वाले हैं। आप कहोगे सौम्या आपने तो पहले भी बैम्बू केन ट्रे के ऊपर पेंटिंग की है, तो आप फिर से कर रहे हो। Yes guys, I agree to that. मैंने पहले भी बैम्बू केन ट्रे के ऊपर पेंटिंग की है, but that was a traditional painting and the shape of the bamboo cane tree was pretty different. आज जिस ट्रे पे हम पेंटिंग करने वाले हैं, it's going to be a round tree और उसके ऊपर आज हम फ्लोरल पेंटिंग बनाएंगे। कैसा फ्लावर्स बनाएंगे, कैसे लीव्स बनाएंगे, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, honestly speaking. So let's do one thing. Let's start with the painting. Let's put the colors and let's see what are flowers and leaves we make. But it is definitely going to be a floral painting. I do not have any idea or thought right in my mind, but let it come out instantly. So it's going to be a fun. Let's get into the video. सो यहाँ मैंने एक राउंड केन ट्री ली है। ऑल दो दिस डजेंट लुक्स परफेक्टली राउंड इन शेप बिकॉज दीज आर हैंडमेड थिंग्स एंड दीज आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट इन इट्स शेप। सो वॉट एवर, इस ट्रे के ऊपर सबसे पहले तो आई विल बी अप्लाइंग अ बेस कोट दैट इज ब्लू। हियर आई एम अप्लाइंग ब्लू फॉर द बैकग्राउंड फर्स्ट। सो वंस द बैकग्राउंड ड्राइज अप, उसके ऊपर मैं पेंसिल से स्केचेस बना लूँगी। जो भी मन करे, जैसा भी फ्लावर हो, लीव्स हो, मैं स्केचेस बना लूँगी रैंडमली एंड देन आई विल स्टार्ट विथ कलरिंग द लीव्स एंड द फ्लावर्स। गाइज, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द सर्फेस ऑफ द केन ट्रे इज रियली अनइवन। सो फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद इफ़ यू फील कि एक और कोट ऑफ कलर रिक्वायर्ड है, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर द सेकेंड कोट ऑल्सो। सेम विद द एलिमेंट्स, द मेन एलिमेंट्स जो कि मेरे यहाँ पे है, फ्लावर्स एंड लीव्स। सो यहाँ भी मैं फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद फिर से एक सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं शेडो अप्लाई करूंगी एंड देन आई विल बी हाईलाइटिंग सम ऑफ द पार्ट्स। गाइस, राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैं बस रैंडमली वही बनाती जा रही हूँ। मैं ज़्यादा सोच के कुछ भी नहीं बना रही हूँ एंड हेंस सो इट इज़ लुकिंग वेरी सिंपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ। बट एंड तक हम लोग कुछ ना कुछ करके इसको ब्यूटीफुल बना ही लेंगे। सो जस्ट कीप वॉचिंग, देखते हैं कैसे करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सबसे पहले लीव्स में हाईलाइट क्रिएट करके लीव्स को कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द फ्लावर्स। यहाँ फ्लावर्स पे मैं दो ही कलर्स यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है पिंक कलर एंड द अदर वन आई एम गोइंग टू यूज़ इज क्रीमिश येलो। सो रेड के साथ वाइट मिक्स करके मैंने पिंक शेड बनाया है और येलो के साथ वाइट मिक्स करके मैंने क्रीमिश कलर बनाया है।
ब्रॉडली मैंने लीव्स और फ्लावर्स ऑलरेडी पेंट कर ली है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट स्मॉल लिटिल हाइलाइट्स टू मेक दिस लिटिल बिट ब्राइट एंड अट्रैक्टिव. द मेन सर्फेस ऑफ द ट्रे इज डन कम्प्लीटली. अब जो ट्रे की चारों तरफ ट्रे का सर्कम्फ्रेंस है वो सर्कम्फ्रेंस मैं गोल्डन कलर से पेंट करूँगी. And finally, do not ever forget to apply a coat of varnish on top of such painting. So I am done with my today's project and here is the final reveal. Guys, do definitely let me know whether you are liking my videos or not. And if you really like my video, फिर एक like, share और comment तो बनता है ना. So till then, signing off for now and see you again in my next video. Till then, hasta la vista.